समवेयर डाउन द लाइन इससे अपने कहा कि वी स्ट्रगल एंड हमारी पूरी जिंदगी में हम स्ट्रगल करते हैं बट लेकिन स्प्लिट्सविला आफ्टर कमिंग इनटू स्प्लिट्सविला तो लाइफ माइट हैव ऑब्वियसली चेंज्ड ऑब्वियसली इट हैज चेंज्ड लाइक द प्रेजेंट इज मच बेटर देन व्हाट द पास्ट वाज राइट राइट सो जैसे भोपाल से हूँ मैं तो भोपाल में द मोमेंट आई एंटर्ड आई सॉ फेसेस वाचिंग मी पता नहीं क्या हो गया है एंड दे वर लाइक सो हैप्पी टू सी मी So I was a politician in Bhopal. I was into politics before. I had an NGO, and I'm a socialist. तो वहाँ पे हजारों औरतें हैं जो मुझे जानती है मतलब घर के connection ऐसे समझो आप because my NGO was about women empowerment. Okay. तो government से सारे काम लेना. So I think I had a lot of blessings of बहुत सारी families. शायद इसलिए स्प्लिट्सविला हुआ. और मैं तो ये बोलूँगी कि बहुत बदल जाती है life. लोग देखते हैं आप बैठ रहे हो आप क्या कर रहे हो आप यू नो आपका चलना छोटी छोटी चीज़ें उनको बहुत पसंद आती है भोपाल में आई सॉ माई स्टार्टअप स्टूडेंट्स एंड कॉलेजेस पीपल यंगस्टर्स दे वर ऑल कमिंग आफ्टर मी जब आप भोपाल से आए इवन आई एम फ्रॉम MP आप भोपाल से आप जब मुंबई में आए स्प्लिट्सविला में बेसिकली आए जब स्प्लिट्सविला में आए अ गर्ल जो कि एक NGO चला रही है एक पॉलिटिशियन है एंड देन स्प्लिट्सविला में एक अलग ही इमेज दिख रही है तो क्या कमेंट्स या कॉम्प्लीमेंट्स वहाँ से आते थे क्या लगता था मतलब वहाँ से आपको जो भोपाल से आपके जो होम टाउन से दोस्त यार फैमिली कुछ ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स ऐसे कुछ आए मेरी लाइफ शुरू से ही बहुत स्ट्रगल है कॉम्प्लीमेंट या कमेंट्स जो थी हाँ तो मेरी लाइफ बहुत जब मैं पॉलिटिक्स में थी तो ऑपोजिशन वाले तब हमको गाली देते थे और मैं तो लड़की हूँ तो मतलब भोपाल जैसे शहर में अगर एक लड़की बहुत फेमस हो चुकी है एंड यू नो उसको बोला जा रहा है कि तुम ये क्यों कर रहे हो तुम नेतागिरी में क्यों जा रहे हो गंदी लाइन है ये मत करो वो मत करो वहाँ पे भी मुझे बहुत क्रिटिसिज्म मिला था बहुत ज़्यादा फैमिली डैड वाज इन सपोर्ट मॉम ऑफकोर्स मम्मा होती है तो पसंद नहीं करेगी वहाँ पर भी बहुत क्रिटिसिज्म बहुत सारी चीज़ें हमको सुनाई देती थी हमारे फ्रेंड्स जब हमारे बारे में बात करें कि वो तो आजकल यू नो यहाँ जा रही है वहाँ जा रही है उससे मिल रही है इट्स ऑल क्रिटिसिज्म फॉर अ गर्ल कहीं ना कहीं फ्रेंड सर्कल में भी थोड़ी सी जेलसी वाली चीज़ आ जाती है तो ग्रोथ जब होती है तो चीज़ें बदलने लगती है तो जब मैं पॉलिटिक्स में भी थी टचवुड आई वाज डूइंग रियली गुड मैं काम भी करती थी मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था आई यूज्ड टू अर्न अ लॉट ओके आई हैड अ कंसल्टेंसी एज वेल तो मैं एडमिशंस भी कराती थी इट वॉज अ टोटल डिफरेंट लाइफ वहाँ पे क्रिटिसिज्म मिला और फिर अचानक से मुझे मौका मिला इलेक्शन लड़ने का तो पार्षद के इलेक्शन होते हैं जैसा आपको पता है आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर दैट एंड ट्रस्ट मी मतलब जब वो होने वाला था तब मैं ऐसा समझो कि लड़ भिड़ के झगड़ के भोपाल छोड़ के आ गई माई पेरेंट्स डिड नॉट टॉक टू मी फॉर लाइक 2-3 मंथ्स आई रिमेंबर और मुझ जैसी लड़की जो स्प्लिट्सविला में बैठी है मैं मतलब ये बोलते हुए बिल्कुल भी संकोच नहीं करूँगी कि बीइंग अ गर्ल आई स्लेप्ट ऑन द बीच फॉर 3 days एंड देयर वाज नोबडी आई नो व्हाट आई हैव गॉन थ्रू इन माय यू नो प्रीवियस लाइफ एंड इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट जब आप क्योंकि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ मेंटली इसलिए मैं इस शहर में टिकी एंड थैंक गॉड आई वाज हियर दिस शो यू नो इट चेंजेस एवरीथिंग तो ऐसी चीज़ें हुई है रियली सैल्यूट यू जिस तरह से आपने मतलब एक आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है एक स्ट्रगल के बाद आप यहाँ पे पहुँचे हैं आपको स्प्लिट्सविला कैसे ऑफर हुआ स्प्लिट्सविला मैंने लास्ट ईयर भी ऑडिशन दिया था बट नहीं हो पाया था और मैं थोड़ी नाराज़ भी थी क्योंकि आई डिज़र्व दैट प्लेस जहाँ पर दूसरे लोग आए तो मैं थोड़ी सी नाराज़ थी इस बार जब कास्टिंग चल रही थी तो मुझे बहुत सारे कॉल्स आए थे ऑडिशन जाओ मैंने हर पॉसिबल कोशिश की ऑडिशन पे ना जाने की कभी मैं अपने रूममेट्स को भेज रही हूँ कभी मैं अपने फ्रेंड्स को भेज रही हूँ दे कॉल्ड मी कि यू कम फॉर द ऑडिशन आई वेंट एंड इट हैपेंड मतलब लाइक आप इतना ना चाह रहे थे नहीं जाने की बट देन सर्टेन थिंग्स आर डेस्टाइन्ड या वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आई वुड से क्योंकि मैं सीजन 2 से स्प्लिट्सविला देख रही हूँ और मुझे आई वॉज डाई हार्ड फैन ऑल द यंगस्टर्स वॉच सच शोज रोडीज एंड स्प्लिट्स तो जब मैंने रोडीज़ देखना शुरू किया मुझे लगता था मैं वहाँ जाऊँगी बट जब मैंने स्प्लिट्सविला देखा मुझे लगा नहीं रोडीज़ इज़ मच ऑफ फिजिकल एंड मैंने सोचा कि स्प्लिट्सविला इज़ काइंड ऑफ ग्लैमर जो मुझे पसंद है तो आई थॉट कि मैं उस पर जा सकती हूँ फिर आई स्टार्टेड वॉचिंग हमेशा सोचती थी कि यार मैं वहाँ पर रहूँगी तो क्या करूँगी सो आई थिंक वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्कड एंड इट हैपेंड